हेलो दोस्तों दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ अपड ना फिर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां पे एक के बाद एक वायरल डिजीज हमें इंपैक्ट कर रही है अभी कोविड से डील कर ही रहे थे कि नेपा वापस आ गया तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहली बात नेपा वायरस के बारे में पर साथ में ही अब बाकी वायरल डिजीज के बारे में भी पढ़ेंगे जैसे इबोला और जीका के बारे में तो चलिए उन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं तो so, सबसे पहले वी विल डिस्कस कि वायरल स्ट्रक्चर क्या होता है बेकॉज सभी वायरस के बारे में बात करें पर वो काम कैसे करता है वगैरह इसके बारे में तो जान लें साथ में देखेंगे ट्रांसडक्शन क्या होता है एंड ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है उसी के साथ हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जूनोटिक डिजीज क्या होती है एंड जब आप बेसिक समझ जाएंगे तो हम बात करेंगे कि निपा वायरस क्या होता है इबोला वायरस कौन सा है और उसके साथ हम जीका वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे चलिए एक एक करके शुरू करते हैं सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला है कि नेपा अ ग्रुप ऑफ डीएनए वायरसेस जिनका इफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी नहीं हुआ है दूसरा है दूसरा वेरियस रिसर्च प्रूफ जूनोटिक डिजीज दोनों के बारे में एक बार सोचिए और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते समय सबसे पहले जानते हैं कि वायरस क्या होता है अगर देखा जाए तो वायरस एक तरीके का सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन पैरासाइट है जिसको डिस्कवर किया था आपके रशियन बॉटनिस्ट बौत, दी एवनोस्टी ने 1892 में किसी पीसीएस एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं अब जरा ये देखते हैं सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शस एजेंट क्या होते हैं पैरासाइट एजेंट या फिर वो होते हैं जो कि दूसरी की बॉडी की जरूरत होती है इनको रेप्लीकेट करने के लिए सस्टेन करने के लिए राइट right? जो दूसरे की बॉडी पे सस्टेन करते हैं उनको पैरासाइट कहते हैं मतलब वो खुद सस्टेन नहीं कर सकते जीने के लिए सो दीज आर पैरासाइट अब इसके दो तरीके होते हैं सस्... क्या चाहिए होता है पैरासाइट को किसी से भी तो पैरासाइट को एक तो फूड चाहिए होता है एनर्जी चाहिए होती है सस्टेन करने के लिए और दूसरा चाहिए होता है किसी तरीके की बॉडी या मैकेजम्लीकेट करने के लिए तो इन दोनों चीजों के लिए ही क्या करता है पैरासाइट होस्ट बॉडी पे डिपेंडेंट होता है अब यहाँ पे उसको समझने के लिए अब सबसे पहले जानेंगे कि पैरासाइट की बॉडी क्या होती है पैरासाइट की बॉडी में दो चीजें होती है दोनों याद रखनी है एक आपका प्रोटीन और दूसरा जेनेटिक मटेरियल इन दो चीजों से आपका ये आपका वायरस बनता है ठीक है वायरस में दो ही चीजें एक आपका जेनेटिक मटेरियल और दूसरा आपका प्रोटीन अब चलिए दोनों के बारे में बात करते हैं तो जो प्रोटीन होती है जो उसको आउटर शेल प्रोवाइड करती है ये आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया अब प्रोटीन तीन फंक्शन सर्व करते हैं एक तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना जिसके अंदर आपका डीएनए मटेरियल एग्जिस्ट करता है दूसरा ये इसको हेल्प करता है बॉडी को पेनिट्रेट करने में होस्ट की बॉडी को पेनिट्रेट करने में अब ये होस्ट का सेल है जिसे ये स्पाइक प्रोटीन नहीं होती ये स्पाइक प्रोटीन क्या होती है इस तरीके के ऐसे ना छेद कर सकती है सेल में और अंदर चली जाएंगी

पर आपके डीएनए भी होते हैं डीएनए वायरसेस के लिए आप डिथेरिया वगैरह बोल सकते हो जो कॉमन कोल्ड आपके नहीं होते एडिनो वायरसेस सॉरी एडिनो वायरसेस जो आपके कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एक्चुअली डीएनए वायरसेस होते हैं तो दोनों तरीके का मटेरियल वायरस में पॉसिबल होता है एक खास बात यह है वायरस हर फॉर्म ऑफ लाइफ को अटैक कर सकता है इवन बैक्टीरियाज को भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग सबको ऑलमोस्ट एवरी और किसी भी कंडीशन में सस्टेन कर जाता है तो अब देखते हैं इसकी पैरासिटिक क्वालिटीज कि इसको फूड चाहिए और एनर्जी चाहिए रेप्लीकेट करने के लिए अब इस स्ट्रक्चर में इसके पास कोई एनर्जी तो है नहीं इसके पास जेनेटिक मटेरियल जरूर है पर ये जेनेटिक मटेरियल जब तक किसी के होस्ट सेल में नहीं जाएगा ना ये रेप्लीकेट नहीं कर सकता बिकॉज शन करने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए क्या एक एनर्जी और एक मशीनरी जो कि एक प्रॉपर प्रॉपर ह्यूमन सेल 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 में 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 होता 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 है 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 या फिर लिविंग लिविंग क्यों क्योंकि वहां पे में होता है, आपके माइट्रोकॉन्ड्रियाज होते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करती है साथ में वहां पर आपका डी का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो इनफ एनर्जी उसको मिल जाती है कि वो अनवाइंड कर सके तो ये सब पॉसिबल होता है जो कि वायरस के पास नहीं होता अब ये देखते हैं कि ट्रांसडक्शन क्या होता है उससे पहले देखते हैं कि कोई भी सेल कैसे काम करता है सेल के अंदर काम करने के लिए या फिर रेप्लीकेट करने के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट होता है राइट हो गया इसमें आपका ए जी टी सी करके होता है इसमें भी आपके प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाएंगे कि ये आपका ए टी जी सी करके आ गया ये अब इसको रेप्लीकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले अपने आप को अनवाइंड करना पड़ेगा राइट ये आपका वाइंडिंग है ना ये अनवाइंडिंग हो जाएगी यहां से अनवाइंडिंग होते ही क्या होगा यहाँ पे दूसरा कॉपी स्ट्रक्चर इसकी बनने लगेगी राइट ये यहाँ पे आपकी कॉपी बननी कॉपी कि ए है तो ना तो प्रॉपर ऐसे ही ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और एग्जिस्टिंग डीएनए वापस वाइंड हो जाएगा तो ये आपकी अनवाइंडिंग हुई और वाइंडिंग हुई और इस चक्कर में आपकी दो डिफरेंट कॉपीज ना बन जाती हैं राइट right? इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन अब वायरस क्या करता है वो जब ह्यूमन सेल को अंदर जाता है अपनी स्पाइक प्रोटीन की हेल्प से तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर छोड़ देता है राइट इसको खुद को तो रेप्लीकेट करना नहीं आता अब अगर ये डीएनए है तो डीएनए रहेगा आर रहे है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करके डीएनए में बन जाएगा अब जब ये डीएनए यहां पे क्या होगा इसके पास यहां पे इनफ एनर्जी है कि अपनी डबल कॉपी बना ले और डबल कॉपी बनते ही क्या करता है जो ह्यूमन नाम का डीएनए है ना राइट अब यहां पे देख नहीं रहा है मैं आपको जरा दिखा देती हूं ये जो आपका ह्यूमन जो डीएनए है ना यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का इसमें जाके अटैच हो जाएगा राइट right? अपनी कॉपी को वहां जाके अटैच कर लेगा डबल हेलिकल बनके अब जब ये ह्यूमन डीएनए रेप्लीकेट हो रहा होगा ना तो ये साथ में रेप्लीकेट हो जाएगा और इस तरीके से ह्यूमन सेल को यूज करता है अपने आप को रेप्लीकेट करने के लिए दिस इज हाउ आर एन अब आपने देखा होगा इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन जब आपका आर जो आपका वायरस का डीएनए है वो रेप्लीकेट होता है ऑर्गेनिज्म के डीएनए को लेकर इसको ट्रांसडक्शन कहते हैं

अब जो, जो जोनोटिक डिजीज होती है रुडोल्फ रुडॉफ ने एटीन में डिस्कस की थी सिंपल फैक्ट है कि कोई भी डिजीज एनिमल से ह्यूमन और ह्यूमन से एनिमल अगर ट्रांसफर हो सकती है दोनों तरीके से तो उसको जोनॉटिक डिजीज कहते हैं अब इस हिसाब से इसको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हो अगर एनिमल से ह्यूमन हो रही है तो उसको एंथ्रोपोजोना कहते हैं जिसको हो रही है वो पहले आ रहा है एंथ्रो, एंथ्रो ह्यूमन के लिए होता है और अगर ह्यूमन से एनिमल हो रही है तो उसको जू एंथ्रोपोनासिस कहेंगे कि यह यहां से वापस चला गया और अगर आपका एम्फिजोनासिस है इसका मतलब बोथ वे इट इज पॉसिबल तो ये आप समझ गए जोनोटिक डिजीज और ये तीनों के तीनों अब चलिए आगे बढ़ते हैं एक एक करके जो हमारा टॉपिक था सबसे पहले डिस्कस करेंगे नीपा वायरस नीपा वायरस इज अ काइंड ऑफ अ आरएनए वायरस मैंने कहा था ना दो जेनेटिक आपके वो होते मटेरियल इसका आरएनए है इसको हेनिपा वायरस कैटेगरी में डाला जाता है ये इसका जो ये ज़ूनोटिक डिजीज है दैट मींस एनिमल से ह्यूमन और ह्यूमन से एनिमल ट्रांसफर हो सकती है इसीलिए इस ज़ूनोटिक इसलिए भी है कि बैट इसका नेचुरल होस्ट है ये वहाँ अक्सर पाए जाते हैं तो बैट से पिग में ट्रांसफर हो सकते हैं और पिग में पिग से ह्यूमन बींग और ह्यूमन बींग से बाकी ह्यूमन बींग से किसी भी फ्लूड के कॉन्टेक्ट में आ सकते हो जैसे आपका ब्लड ट्रांसफ्यूशन हो गया ऑर्गन ट्रांसप्लाटेशन हो गया इस तरीके से अगर फ्लूड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है तो ये फैला जा सकता है एंड इट्स का ऑरिजिन इसको नीपा क्यों कहते हैं बिकॉज मलेशिया में जो नीपा नाम का विलेज था वो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था 1998 में फिर सिंगापुर में इसके केसेस देखे गए थे और इसकी जो डेथ रेट है वो 70 परसेंट है कि अगर कोई कांटेक्ट हो तो 70 परसेंट चांसेस है कि दैट पर्सन में डाई और जो फ्रूट बैड इसको कैरी करती है उसका नाम टेरिपो डेई है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये जानना है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड पांच से चौदह दिन होता है दैट वो वो पीरियड जब ये वायरस इनफ हो जाए कि सिम्टम्स दिखाने लगे वो आपका पांच से चौदह दिन का है साथ में इसमें सैडली दिस इज ट्रू कि ना तो वैक्सीन अवेलेबल है ना ट्रीटमेंट द बेस्ट इज आप प्रिकॉशन ले सकते हो तो प्रिकॉशन के लिए आप क्या करोगे जैसे रॉ डेट्स मत खाओ या फिर कोई ऐसा फ्रूट है जो आपको लग रहा है कि बैट्स ने पहले खा रखा है किसी ने खा रखा है तो उसको नहीं कंज्यूम करना किसी को है तो उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आता उसका उसका ध्यान रखना है इसके सिम्टम्स देखे जाए तो उसके सिम्टम्स मोस्टली दिमाग को इम्पैक्ट करते हैं जैसे फीवर हेडेक एक ड्राउजीनेस मेंटल कन्फ्यूजन टू द एक्सटेंड अगर डेथ भी होती है तो आपका दिमाग के ऊपर ये डिजीज ना हारी हावी हो जाती है तो ये समझना था निपा वायरस अगर आपको निपा समझ में आ गया तो बाकी आप और भी समझ पाएंगे आते हैं इबोला वायरस इबोला वायरस के केसेस 2013 से लेकर 2016 के बीच में कम से कम ग्यारह हजार केसेस अफ्रीकन कंट्रीज में देखे गए थे इस अफ्रीकन कंट्रीज में आप देखेंगे तो गिनिया है सीरा लियोन है और लाइबीरिया सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए थे इसमें सबसे ज्यादा उसके बाद माली और नाइजीरिया में केसेस हुए थे और सेनेगल में आइसोलेटेड केसेज हुए थे तो ये तीन सबसे ज्यादा इंपेक्टेड कंट्रीज थी आपकी ये कोस्टल कंट्रीज आती हैं इसमें एक चीज और देखी गई थी कि इसका जो ऑरिजिन है वो आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि अफ्रीका की एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे सबसे पहला केस देखा गया था इन 1976 सभी का ओरिजिन जरूर ध्यान रखें ठीक है उसका मलेशिया था इसका कॉन्गो है इबोला रिवर के आसपास मिला था इसलिए इसका नाम इबोला है नाम की जगह पे अक्सर पड़ जाता है यह भी एक तरीके की जोनोटिक डिजीज है कि एनिमल से ह्यूमन और ह्यूमन से ह्यूमन हो जाती है वही आपका अगर आपके फ्लूट्स वगैरह कॉन्टेक्ट में आ जाए इसमें भी बेट्स इज अ नेचुरल कैरियर वो भी सेम कैटेगरी की तो यहाँ पे भी बेट्स है वहां पे भी नेचुरल होस्ट थी

फिर जाप देनो एंड मवाबे करके इसकी वैक्सीन्स हैं जो डेवलप हो चुकी हैं तो ये ध्यान रखना है इसकी वैक्सीन्स हैं जीका की आपकी जो आई एम सॉरी निपा वायरस की नहीं थी पर इबोला की है इसका ट्रीटमेंट देखा जाए इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है इसमें टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज़ की जाती हैं दैट इज़ इनबाजेब एंड एबांगा तो ये इसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल है वैक्सीन पॉसिबल है और डायग्नोसिस के लिए आपका अलिसा और आर टेस्ट यूज़ करते हैं राइट चलिए अब आगे बढ़ते हैं आप जानते हैं जीका वायरस के बारे में जीका वायरस देखा जाए तो इसका ओरिजिन 1947 में हुआ था जब हम आज़ाद हो रहे थे तब यहाँ जीका वायरस देखा गया था युगांडा में तो सबसे पहला केस इसका युगांडा में मंकीज में देखा गया फिर सिक्सटीन सेवेंटीज में ह्यूमन बींग्स में भी इसका केस देखा गया था अब इसका जो कैरियर होता है फॉर अ चेंज वहाँ आपका बेड्स था यहाँ पे आपका एडीज मॉस्किटो होते हैं एडीज मॉस्किटो वही मॉस्किटो है जिनकी वजह से आपको डेंगू हो सकता है चिकनगुनिया होता है और आपकी यास डिजीज करके हो जाती है राइट सो दीज आर दैट डिजीज वगैरह इनसे होती है इनका ट्रांसमिशन के लिए इनके ट्रांसमिशन के चार तरीके होते हैं चार पांच तरीके होते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद फ्लूड चाहे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की वजह से हो चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूशन की वजह से हो चाहे सेक्सुअल कंडक्ट की वजह से हो या फिर प्रेगनेंसी की वजह से प्रेगनेंसी की वजह से अक्सर मदर से फीटर की फीटर्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं और इसमें एक और जो ध्यान देने वाली बात यह है कि काफ़ी केसेस में इसके सिम्टम्स देखे ही नहीं जाते मतलब इंसान को है इसको पता ना चले जो कुछ सिम्टम्स मिलते हैं वो फीवर कंजक्टिवाइट ज्वाइंट पेन होते हैं लेकिन द वर्स्ट पार्ट इज जिसको सिम्टम्स सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं वो ऐसे फीटस को है जो कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग मदर को है मदर को है मदर के अंदर ज्यादा सिम्टम्स नहीं होंगे पर जब बच्चा इससे पैदा होता है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको माइक्रोसेफली हो जाए मतलब ब्रेन साइज उसका छोटा हो जाता है दिस इज नॉर्मल ब्रेन साइज वहाँ पे छोटा हो गया सो पर्सन को बहुत सारी डिसेबिलिटीज का फेस सामना करना पड़ता है दिस इज समथिंग विच इज वेरी कंसर्निंग इन हेयर इसके केस में भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है नाउ दैट इज अ सैड पार्ट आप ध्यान रखेंगे जीका के केस में वैक्सीन नहीं थी और इसके के केस में वैक्सीन नहीं है तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे सिर्फ इबोला के केस में है तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए नीपा ग्रुप ऑफ डीएनए वायरसेस यहाँ पे आर था अगर आपको याद हो तो मैंने सीधा सीधा लिखा था फिर इनको जीनाटिक डिजीज है ये हमने माना था तो आप वन और ये हटा देंगे आपका टू ऑनली आपका आंसर हो जाएगा नाउ दैट इज फॉर ऑल